नौणी पंचायत में स्वच्छता को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके पंचायत के प्रतिनिधियों, दुकानदारों, गृहिणियों और गांववासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी ललित दोल्टा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर खंड अधिकारी ने गांववासियों को सफाई के प्रति जागरूक किया और सफाई के महत्व के बारे में आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने सभी को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति भी जागरूक किया। नौणी पंचायत में स्वच्छता को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके पंचायत के प्रतिनिधियों, दुकानदारों, गृहिणियों और गांववासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी ललित दोल्टा विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर खंड अधिकारी ने गांववासियों को सफाई के प्रति जागरूक किया और सफाई के महत्व के बारे में आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने सभी को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति भी जागरूक किया। अधिक जानकारी देते हुए खंड विकास अधिकारी ललित दोल्टा ने बताया कि नौणी पंचायत स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है और कई अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। इस कार्य में सहयोग करने वाले गांव वासियों को आज मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के अन्य गांव वासियों को भी इस पंचायत से सीख लेनी चाहिए और उनकी तरह ही अपने गांव को साफ और सुंदर रखना चाहिए। अगर सभी गांव वासी इस तरह की सोच रखेंगे तो हिमाचल एक स्वच्छ राज्य के तौर पर जाना जाएगा। आज विकासखंड सोलन के अंतर्गत ग्राम पंचायत नौणी गाँव में आदरणीय श्री ललित जैन द्वारा ई रिक्शा और कंपोस्टर का विधिवत लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त स्थानीय पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वालों जैसे दुकानदार, गृहिणियाँ और स्थानीय मेंबर को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया, मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस तरह की जो कार्यक्रम है उससे और पंचायतों को भी सीख लेनी चाहिए। जिस दिशा में ग्राम पंचायत नौणी ने कार्य किया, मेरा मानना है कि इससे प्रेरणा मिलेगी सभी विकास कंसोलन की समस्त पंचायतों को। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।